आप मकान में रहते रहो, कपड़े पहनते पहनो, और झोपड़ी में रहो तो झोपड़ी में रहो, कोई बाल बच्चों को छुड़ाता नहीं है, सब अपने अपने घर में रहो, वही रह करके साधन करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, घर ही में बैठ करके, ये घर इसका चंद्रोजा और एक तुरंत बैठी है, दोनों आंखों के पीछे एक घर ये है, तो जब ये छूटेगा तो ये भी छूट जाएगा, और ये जितने बैठे सब छूट जाएंगे, सबसे नाता टूट जाएगा देखते देखते, तो इसलिए वही काम करो जिससे नाता जोड़ना, जब आप उससे नाता जोड़ोगे तो रब शब्द से तो फिर नाता टूटेगा नहीं, तदा के लिए जुड़ जाएगा। जब सूरत शब्द में प्रवेश हुई और चली तो जब तक घर नहीं पहुंचती है तब तक ये नाता टूटेगा नहीं, बराबर नरदेही मिलेगी, और जहाँ छूट गया है तो फिर करो, और फिर महात्मा मिल जाएंगे, अब उस समय जो महात्मा होगा वो मिल जाएगा, और करो अगर कुछ कमी रह गई तो फिर तुमको शरीर मिलेगा, और उस समय जो महात्मा ऊपर आते जाते होंगे वो मिलेंगे, आपका रास्ता कट जाएगा। ये आप अच्छी तरह देही अगर दोबारा मिलती है तो दोबारा वो मिलना चाहिए रास्ता बताने वाला, दोबारा देही मिले तो मिले, पीछे वाले नहीं, उनसे अब कुछ नहीं होगा, देह बदल गई तो देह जब बदली है तो दूसरा देहधारी मिले जानकार, आपको खोलो खुल्ला सब चीज बता रहे, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी विनती प्रार्थना है कि आप नशा मत कीजिए, हुक्का पीजिए, और अशुद्ध बाहर मत करना, शुद्ध आहार करो, दिन में आप चाहे 4 बार खाओ और चाहे 1 बार खाओ, हम तो मना करते हैं, बस 2 चीजों से तो आप करो परहेज पक्का, इसमें कचाई का कोई काम नहीं, और ये रास्ता सीधा बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, शरीर का इसमें कोई कष्ट नहीं है, ये रास्ता चलो तो वहां से निकलो और पूछो कर, अब मैं नामदान दूंगा आपको, आप लोग बंदी मार लो, बंदी मार के बैठ जाओ, जो जो नाम बोले सब लोग उसी नाम को एक साथ बोलना, जो जो नाम बोलते जाए बोलते जाना, सब अपने मुंह से आवाज निकालना ताकि हम सुने कि जो नाम बोला है शुद्ध बोला कि अशुद्ध, तो जब अशुद्ध होगा तो हम शुद्ध कर रहे हैं, तो आप शुद्ध बोला, जब आखिर में हम चुप हो जाए तब चुप हो, गरम मिला, गरम मिला, गरम बोलो जय गुरुदेव, कान के साथ जब ध्यान करो तो आँख के साथ, ये करना आपको 5 नाम 5 रूप 5 स्थान हरेक की आवाज, ये यहाँ लिखा हुआ कागज आपको मिलेगा,
अपने भाइयों से यही मिल जाएगा मैदान में। आप अपना पूरा पता टेलीफोन नंबर हो तो दे देना, और पूरा पता लिख करके अपना कागज ले लेना और याद कर लो अच्छी तरह से। जब याद हो जाए कागज किसी को मत दिखाना, बस याद हो जाए तो फाड़ देना। याद कर लो तब तक रखो, और याद हो जाए तो कागज फाड़ दो। और जो कुछ भी आपको बताया ये बताना नहीं, और देखोगे और सुनोगे तो ये भी मत किसी से कहना, नहीं ऊपर ये सब बैठे हुए बंद कर देंगे तो फिर तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए हजम करना, चुबाक रखना। हम आपको बताते हैं कि तुम्हारी आँख भी खुलेगी, कान भी खुलेगा, और मस्ती चढ़ेगी। तो तुम किसी से मत कहो, हजम करो। बोलो जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। किसका नाम? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। अब एक बात है ये बच्चों, ये तो आपको परम भेद मिला घर जाने का, तो आपको याद क्या रहेगा कि जब हमने नामदान लिया था कुछ तो कुछ आपको याद होना चाहिए। तो नामदान जब प्राप्त कर लिया तो आप थोड़ी सी दक्षिणा जो समझो, लेकिन नाम मात्र की दक्षिणा जरूर आप दे देना, उससे चूकना नहीं। जो तुम्हारी समझ में आए, हम तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं लगाते, लेकिन कुछ न कुछ ये। जैसे मान लो कि एक रुपया देते हो तो उसमें तो कुछ आएगा नहीं, अब दो रुपए का भी इनकार करने लगे कि दो रुपया दीजिए कोई सामान नहीं आएगा, तो ऐसा हो कि मतलब यह है कि दूसरा भी ले सके कि हमको दो रुपए तीन रुपए का जो सामान नहीं मिलता है तो ऐसा मतलब है कि तो सामान मिल जाएगा, नहीं वो भी नहीं लेगा, और बैंक में ले जाइए तो वहाँ भी नहीं लेते, कहते भाई बांट दीजिएगा। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा दक्षिणा जरूर दे दो। ये झोले वाले, किस नाम का झोला कैसा है? सफेद रंग का झोला है, सफेद रंग का झोला बटा है, सफेद रंग का झोला है, उसमें आप डाल दीजिएगा। ये बोल रहे जय गुरुदेव, और मैं यहीं पर हूँ, मैं जब तक है मैं नीचे नहीं जाऊँगा, जब जाऊँ तभी जाना, क्योंकि मुझे और कुछ कहना है। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए आप कोई सामान सेवा भेंट दक्षिणा लाए हों तो सफ़ेद रंग का झोला लेकर के भाई लोग आपके बीच में पहुंच रहे हैं, आप उनको दे देंगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने आज नामदान लिया है गुरु दक्षिणा के रूप में सेवा देनी है, वे लोग भी उसी सफ़ेद रंग के झोले में डाल देंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुंच जाएगा। आप सब लोग अभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब तक मंच पर विराजमान रहें आप में से कोई उठेंगे नहीं, जब आपको उठने का आदेश मालिक देंगे तब आप लोग उठ करके अपने आप
नामदानियों को मिल जाएगा जिन्होंने आज नामदान लिया है। आप अपना नाम, पूरा पता तथा टेलीफोन नंबर साफ साफ लिखा करके कागज़ ले लीजिएगा और याद करके सुमिरन ध्यान भजन ठीक से करिएगा। अपने आश्रम का गन्ना, जिसको लोग दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसके चूसने से बहुत सी बीमारियां चली जाती हैं,